जस्ट ट्राइंग टू गो लाइव. पहले मैं ये शेयर कर दूं हमारे जितने भी फैंस हैं उनके साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग देख सकें ये इंटरव्यू. और आप भी अगर अपने प्रोफाइल पे इसको शेयर कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. See how to do this. तो जी इसको अपने पेज पे आप लोग भी जाके शेयर करें, ताकि ये लाइव इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें. और फिर मैं ये स्टार्ट करता हूँ. एक सेकेंड जी, लेट्स शेयर इट, शेयर इट, शेयर इट. People share. आप भी शेयर करें ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें. मैं इसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो देख सकें. मैंने किसी ग्रुप में शेयर कर दिया. आप भी शेयर करें. किधर किधर है भाई मेरा, मेरी प्रोफाइल? यस राइट हियर. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट पीपल, मैं चेक कर लूं कि सही जा रहा है कि नहीं. बिल्कुल ठीक जा रहा है. आई थिंक मेरी प्रोफाइल पे शेयर हो गया. यस ओके. और आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. आज का इंटरव्यू बहुत ही मज़े का रहेगा और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, बहुत ही एक ख़ास किस्म के आर्टिस्ट हैं और ख़ास सिंगर हैं. और लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन तो भेज चुका था कि कौन है, तो इसलिए सरप्राइज तो कोई नहीं है. लेकिन सरप्राइजिंग जो चीज़ है वो उनका एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. Or I think we have enough people and comments coming here also. So ladies and gentlemen, I welcome you with our guest, Mr. Zafar Iqbal Zafri Saab. Here he is, come. Assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam. कैसे हैं जफर भाई? कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? वैसे हैं जैसे आपने छोड़ा था. अच्छा, मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, आपका नाम भी जफर है, मेरा नाम भी जफर है, तो मैं जफर, मैंने बहुत कम किसी को बुलाया है, लेकिन ये आज हमारी एक खुशनसीबी है कि दोनों जफर. तो आप जी, आप एक नया वो कर लीजिए ना, जी आई जी कर ले उसको, जिज. जी आई जी, दैट्स अ गुड वन. जफर इकबाल जफरी, गुड टू सी यू. बहुत ही अरसे के बाद आप जो है ना वो दोबारा स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और काफी थोड़ा ब्रेक भी आ गया आपका. और आज हमने आपसे सारी आपकी बातें निकलवानी है. बहुत आपकी हिस्ट्री माशाल्लाह से बहुत है, और राज की बातें भी निकलवानी है, आपकी कैरियर की बातें, आपकी पर्सनल बातें. सबसे पहले तो मैं अपने जो है ना अपने ऑडियंस को बता दूं कि जफर इकबाल जफरी आपका, वैसे तो आप मुझे पता है कि आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे, लेकिन आपका जो जो फेम आपको मिला वो आपके जो एल्बम था भूल जा मेरे दिल, राइट? जी, भूल जा मेरे दिल. हाँ, तो आप, मैं इस लोगों को पता है उसके गाने बड़े. एक टाइम ऐसा था जब हम टीनेजर थे, मुझे याद है, यू कुड नॉट वॉक इन पाकिस्तान एनीवेयर. कोई भी शादी या कोई घर या कोई तकरीब ऐसी नहीं थी जिसके अंदर जफर इकबाल जफरी का कैसेट नहीं चल रहा था. बल्कि मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये सुनो तुम. तो मैंने कहा अच्छा, उस जमाने में तो आपको पता है कैसेट वगैरह का सिर्फ टाइम था, तो मैंने कहा यार ये कैसेट दो, मैं सुनूंगा जाके. कहता है नहीं नहीं ये मेरी है, तू अपनी जाके खरीद. मैं दुकान पे जनाब चार चक्कर लगाए, वो कैसेटी को कहते हैं कल आएगी जी, कल आएगी जी. अच्छा, वो इतनी हार्ड चल रही थी आपकी वो, कि वो बड़ी मुश्किल से खैर फाइनली मुझे मिली, और मैंने उसको बजा बजा के घिस दिया बिल्कुल, मतलब खत्म कर दी थी मेरे मोहल्ले वालों को सारी.
जी ब्लॉकबस्टर था उस जमाने का। अच्छा आप एक काम करें ना, आप पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपने किस तरह म्यूजिक में कैसे आई, ये मुझे थोड़ा सा लोगों को जानना है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। मेरी पैदाइश है जी लाहौर की, पाकिस्तान का शहर है, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, और मैंने नात शरीफ से स्टार्ट किया था, नात पढ़ना शुरू किया था। और उसके बाद फिर आपको पता है, जब शौक आगे बढ़ता है तो फिर इंसान को टेलीविजन तक आ गया, फिर टेलीविजन से बाहर के जो प्रोग्राम्स होते हैं। एज अ चाइल्ड स्टार मैंने काफ़ी शोज मैंने किए पाकिस्तान से बाहर, बस वहाँ से स्टार्ट हुआ जी। तो फाइनली फिर जो रिकॉर्डिंग्स के सिलसिले हुए, वो तो चूंकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, व्हेन आई स्टार्टेड इन लाहौर, तो अच्छा रिकॉर्डिंग जो हुई है वो कराची में, कराची से मैंने अपना करियर का बाकायदा आगाज जो था वो वहां से हुआ, कराची से। अच्छा आप स्टेज पे, मुझे पता है कि आपकी काफी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, और आपके भूल जा मेरे दिल से पहले भी आपकी एल्बम आए, राइट, आपकी रिकॉर्डिंग आई। एक एक एल्बम आया था भूल जा मेरे दिल से पहले, जिसमें आई परफॉर्म्ड मेल एंड फीमेल वॉइसेस में। यार ये तो आपने प्रमोटर के लिए तो चांदी करा दी ना, कि दो सिंगर के बजाय एक को बुला लो उसको, है सारे गाने एक ही गा देगा, हाँ, फीमेल की लेकिन जरूरत ही। वो चूंकि उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रहा था, ऑल्दो देयर वाज अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन वो फिर मेरे लिए भी अच्छा यूं हुआ कि आपकी जो एक एक आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है ना, वो आपकी डेवलप नहीं हो पाती अगर आप उन दोनों आवाजों में करते रहते। जी, आई वो मीन बीच में इट जी बीच में साउंडेड चले लाइक अ जाते गुड थे। आइडिया एट द टाइम, लेकिन फिर बाद में आपको ये आपने रियलाइज किया कि मैंने शायद रियलाइज नहीं किया, मैंने रियलाइज नहीं किया, मुझे तो इतना सेंस ही नहीं था। अच्छा ये रियलाइज किया रिकॉर्डिंग कंपनी ने, डीलर्स ने, जो जिन्होंने उसको बिल्कुल हॉट केक की तरह उन्होंने बेचा उस एल्बम को, मेल एंड फीमेल वॉइसेस बोथ। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि सिंस ही हैव अ वेरी वेरी मिच्योर एंड अ ब्यूटीफुल वॉइस क्वालिटी मेल में, तो बेहतर ये है कि अभी फौरी तौर पे एक एल्बम इसका रिकॉर्ड किया जाए, ताकि हम इसको इसकी मेल वॉइस में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो तब वो भूल जा मेरे दिल रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा तो ये भूल जा मेरे दिल जो रिकॉर्ड हुआ, इसको कितना टाइम लगा, और आपको क्या उस वक्त अंदाजा था कि ये एल्बम इस तरह हिट होगा जैसे वो हिट हुआ और पब्लिक ने उसको रिसीव किया, आपको कुछ आइडिया था उस टाइम पे? मुझे इनफैक्ट कुछ भी आइडिया नहीं था। देखिए, मेरा तो स्टार्ट था ना, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट था, जी और मेरे जहन में ये बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं था म्यूजिक का, रिकॉर्डिंग का, स्टूडियोज का। एकदम से अचानक से एक प्रोग्राम से मुझे उन्होंने पिक किया, रिकॉर्डिंग कंपनीज ने, सोनिक कंपनी ने, तो वो एल्बम रिकॉर्ड किया। जाने जहाँ के नाम से वो एल्बम था, जिसमें मेल फीमेल बोथ वॉइसेस में मैंने परफॉर्म किया था, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, लेकिन उसपे ये फोटोग्राफ नहीं थी, ये लिखा था एक फनकार दो आवाजें, अच्छा मतलब ये ये कि हाँ शो उस वक्त, क्योंकि आपका आपकी रिकग्निशन नहीं थी उस वक्त। जी। और नहीं, फिर बाद में उन्होंने फिर फोटोग्राफ उसके ऊपर लगाया, ऑडियो के जो उसका वो था कार्ड बनाया, बाकायदा उसका कार्ड बना, कैसेट कार्ड जो होता है, तो उस पे बस वो उस जमाने में तस्वीरों का भी आपको पता है इतना पता नहीं था कि तस्वीर कैसे बनानी है, क्या करना है, ट्रांसपेरेंसीज बनती थी उस जमाने में, और बस। लेकिन वो भी तस्वीरें भी काउंट इतना नहीं करती, जब आपको शोहरत मिलनी होती है ना, तो चाहे आप किसी भी रंग रूप में हो, वो आपको जरूर मिलती है। बिल्कुल नहीं, और उसमें और
आपने बड़ी मेहनत की हो, क्योंकि अभी भी अगर आप कभी कभी मैं वो एल्बम निकाल के सुनता हूँ तो मैं उसमें अमेज होता हूँ कि जो क्वालिटी थी, वॉइस क्वालिटी, आपने जिस तरीके से उन गानों को गाया, हालांकि वो गाने आपके नहीं थे लेकिन आपने उनको किस तरीके से, और बड़े बड़े फंकारों के गाने, लेकिन आपने जिस जफर भाई, तरीके से, जी आप यकीन कीजिए कि मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। जो जो सिलेक्शन मुझे मिली है उसमें चंद एक गाने थे जो मेरी अपनी चॉइस के थे, जिसमें एक वो था मेरे महबूब कयामत होगी, जी और एक गाना था एक प्यार का नगमा है। तो ये चूंकि मैं स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया करता था तो इसलिए इनमें मुझे प्रैक्टिस जरा ज्यादा थी, तो मैंने जिद करके ये रखवाए थे। मैंने कहा था कि जी ये मुझे लाजमी ये गाने रखने। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक गाना है भूल जा मेरे दिल, जब नया नया ये गाना अभी इंट्रोड्यूस हुआ भी नहीं था मेरे ख्याल में, क्योंकि पहले ये भी होता था ना कि इधर उधर हो जाते थे म्यूजिक। जी बिल्कुल, तो जी तो वो उन्होंने कहा कि जी ये आपने गाना है। वो गाना मैंने सुना तो मैंने कहा कि ये तो आई मीन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो एक कुछ इसके नोट्स इतने बिल्कुल लो हैं, कुछ इतने हाई हैं, समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि देखो जो चीज हम समझ रहे हैं ना वो शायद तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रही है, तुम गा दो बस। और आप यकीन कीजिए कि वो मैंने क्या वो मेरे से गाया गया गाना, एंड दैट वाज यू नो माइंड ब्लोइंग, हाँ भूल जा मेरे दिल। यही मेरा क्वेश्चन था कि जब आपको इतने बड़े बड़े सिंगर्स के गाने आपको दिए गए तो जाहिर बात है कि दो चीजें जहन में आती हैं कि या तो आपने उसके ऊपर रियाज बहुत किया या आपने उसके ऊपर बिल्कुल रियाज नहीं किया, क्योंकि नहीं बाज दफा बिल्कुल कोई, नहीं किया, हाँ बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हाँ एक्चुअली देखें ये सारा एक इंसिडेंटली हुआ, ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला। अच्छा किसी रिकॉर्डिंग कंपनी के ऑनर के बेटे की शादी थी, अच्छा दैट्स इंटरेस्टिंग, वहां पे मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का। वेरी फर्स्ट टाइम इतने बड़े क्राउड में इतने अच्छे म्यूजिशियंस के साथ मैंने लाइव परफॉर्म किया। एक तो मैंने वो गाया जाने जा जो मेल एंड फीमेल वॉइस में था, जी और एक मैंने कंप्लीट लता का गाना गाया, कहीं दीप जले कहीं दिल, लता जी का। तो बस वो उसके बाद उस रात को उन लोगों ने कहा कि भाई पकड़ लो, आर्टिस्ट मिल गया हमें। तो वाकई सोनिक राइट, सोनिक कंपनी ने मुझे पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कहाँ गया, कहाँ बैठा, कहाँ उठा। दूसरे दिन शालीमार स्टूडियो में मुझे पहुंचा दिया गया। शालीमार स्टूडियो में मैंने देखा ऑलमोस्ट 20 के करीब म्यूजिशियन थे, लाइव म्यूजिशियन, जिसमें पाकिस्तान के बड़े टॉप के वायलिनिस्ट थे 5-6, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। जी और रिदमिस्ट थे, गिटारिस्ट थे, पैडिस्ट थे, मकसद वो म्यूजिक्स मैंने कभी जिंदगी में देखे नहीं थे। वो सारा आई मीन दैट वाज माय फर्स्ट चांस यू नो। और सारे अच्छा लाइव बजाते थे, सारे लाइव, उस वक्त सब लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी। अच्छा आपने कहीं, जी जी बिल्कुल, वहां ये डिजिटल सिस्टम नहीं था कि जी आपने ट्रैक बना लिया और ट्रैक के ऊपर आपने जितनी मर्तबा चाहे आप वोकल कर लें, तो ये वो सिस्टम तो था ही नहीं ना। अच्छा तो बस वो कुछ डर खौफ भी था, कुछ वो वक्त ऐसा था, कुछ इंटेंशंस थी आगे बढ़ने की। तो बस ये गाने उसी वक्त स्टूडियो में उन्होंने रिहर्सल करवाए नहीं, आपके लाइव जो म्यूजिशियन। आपका एल्बम सुन के बिल्कुल नहीं लगता कि कोई डर खौफ था या आप पे प्रेशर था, बल्कि आपका, अगर टू बी ऑनेस्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपका बड़ा कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता है जो गानों के अंदर, जो कि एक बस नए सिंगर के तौर पे बड़ी एक मतलब सरप्राइजिंग चीज थी कि आप एक फोर्स के साथ आए, कहना चाहिए, मतलब ये कि एक तो वो आता है ना, जफर भाई जी आप यकीन कीजिए कि रमजान शरीफ में वो एल्बम रिलीज हुआ था, और
मुझे याद है अच्छी तरह, ईद से 4 दिन पहले की बात है। हर गली कूचे में, हर दुकान पे, हर बाजार में पोस्टर्स लगे थे मेरे, और कहीं चले जाओ वही आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं कोई गाना सुन रहा था, कहीं कोई गाना सुन रहा था, और वो रातों रात उस एल्बम ने शोहरत की बुलंदी को छू दिया। ओवरनाइट सक्सेस जिसको कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जी, ओवर। जब आप कहीं पे जाते थे तो अपनी आवाज खुद ही को सुन के म्यूजिक के साथ कैसा फील कर रहे थे, कैसा फील किया आपने? मुझे एक्चुअली उस वक्त इतना सेंस नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन ये जरूर होता था कि जब मैं शोज में जाता था, प्राइवेट शोज में जाता था, तो लोगों की मोहब्बत देख के, उनके जोश देखकर बहुत एक ऐसी फीलिंग आती थी कि पता नहीं क्या मैंने मार्का कर दिया है, क्या तीर चला दिया है मैंने, जो लोगों का इतना जोश वलवला है। आप यकीन कीजिए, वो वक्त ऐसा था ना, अच्छे लोग थे, अच्छा कोई मकसद, हर तरह से मुल्क के अंदर खैर आफियत थी, लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते थे, लोग मौशी तौर पे अच्छे थे, अखलाकी तौर पे भी अच्छे थे, तो ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं एक आर्टिस्ट को अपग्रेड करने के लिए। अब अगर मुल्क के हालात अच्छे ना हो, कत्लो गारत हो, या पॉलिटिकली कोई इश्यूज हो, तो फिर तो आपको पता है कितना भी अच्छी चीज आप प्रोड्यूस कर लें, कुछ भी कर लें, यू कांट डू एनीथिंग। चलें ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ये कि आप मैं जो आपकी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ा टाइम लगा के बड़ा सोचते रहते हैं कि जी ये होगा वो होगा और ट्राई करते रहते हैं और होते हैं, और एक आप होता जैसे नहीं है, आर्टिस्ट हैं। हाँ होता होता नहीं नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो जी इसलिए जी कि जी हम जो प्लान करते हैं ना, हमारे सारे प्लान जो हैं वो अल्लाह ताला के प्लान्स के आगे बिल्कुल फेल हैं। अल्लाह ने कब कहाँ किसको इज्जत शोहरत नाम देना होता है, ये अल्लाह ही जानता है। जी जी हमारे एक म्यूजिशियन फ्रेंड अटलांटा में हैं जुल्फी भाई, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे कमेंट भेज रहे हैं, अगर आप लाइव विद जी के पेज से कमेंट भेजेंगे सो ही कैन रीड इट एंड आई कैन रीड इट टू, लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे भेज रहे हैं तो वो यहाँ कमेंट नजर नहीं आ रहे, सो काइंडली प्लीज ज्वाइन थ्रू दी लाइव विद जी पेज। जफर भाई कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने एल्बम का जो भूल जा मेरे दिल उसकी जो भूली बसवी यादें हैं अगर ताज़ा करने चाहें प्लीज हमें कुछ गुनगुना के अगर सुनाएंगे आप, आपसे रिक्वेस्ट किया रहे हैं। जी जी क्यों नहीं, जरूर इंशाल्लाह। और देखें, वो जो स्टूडियो का इम्पैक्ट होता है, माइक होते हैं, म्यूजिक होते हैं, वो तो ऑब्वियसली अब नहीं हो सकता ना। अब जैसा भी होगा कबूल फरमाएं। जी बिल्कुल, नहीं नहीं आपकी तो आवाज़ ही काफ़ी है सर, ये इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं माशाल्लाह। चलें ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ जी। शोलों पे आशियाना कोई बना सकाना बेहतर है भूल जाना, भूल जा मेरे दिल, भूल जा मेरे दिल, भूल जा मेरे दिल, कोई पत्थर किसी आईने का दोस्त होता नहीं, दिल दीवाने तू ना जाने, दिल दीवाने
डूबती कश्तियों को कभी भी कोई तूफान आया बचाने, तू ना जाने दिल दीवाने अपनों से फरेब खाना, दस्तूर है पुराना, बेहतर है भूल जाना, भूल जा मेरे दिल। जी जबरदस्त जबरदस्त सर, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ तो दिन है, तो बहुत सारे लोग आपकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन ये के जो कमेंट्स आ रहे हैं दे आर नाइस, मेरी प्रोफाइल पे भी आ रहे हैं और इसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो जफर भाई, ये तो जी आपने मतलब ये के आप ये बताएं कि अभी भी आप रियाज कर रहे हैं, आप ये जो है वो शोज वगैरह की क्या सिचुएशन है आजकल? रियाज तो मुझे जब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अच्छा मैं सुन लेता हूं ना, तो फिर मैं उसको वैसे गुनगुनाता रहता हूँ, मेरा रियाज हो जाता है। उठते बैठते चलते फिरते कोई गाना अच्छा लग गया, कोई नात अच्छी लग गई, तो उसको मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। बस यही मेरा रियाज है, मैंने कभी प्रॉपरली रियाज किया नहीं है। ये अल्लाह जी ताला जी की तरफ से अच्छा आवाज मैं मुझे अता हुई है, तो अल्लाह ताला ने ही हिफाजत फरमाई है अभी तक। वेरी नाइस मैं आपकी जो एल्बम से, क्योंकि हम इतनी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी याद ताज़ा करने मेरे ख्याल से ज़रूरी है, तो मैं ये थोड़ा सा आपका जो है ये गाना आपका ये प्ले करता हूँ। जी सॉरी, मेरा माइक म्यूट था, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा म्यूजिक के साथ भी सुन ले। आपकी आवाज़ माशाल्लाह से वैसी की जी वैसे ही है बिल्कुल, आपने डेफिनेटली जैसे कहा कि गॉड गिफ्टेड, ये चीज़ जो होती है बनाना बड़ा मुश्किल है, एंड इट वाज अ जी यू नो बिग हिट। और आपका एक और इसके अंदर जो मेरा फेवरेट जो था गाना एक आया था, मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी दो जी लाइन जी सुनें। जी तो ये वाला गाना जरा सा मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड अगर आप दें तो मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। आई थिंक दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। ओके okay. चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा,
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या बात है सर, क्या बात है सफर भाई, कमाल कमाल है। ये जो इतना ये अच्छा, एज अ म्यूजिशियन मैं आपको लोगों को ये बात बताऊं, आप जो देख रहे हैं कि ये जो गाना, ये जो गाने सारे थे ये हाईली डिफिकल्ट गाने, टेम्पो वाइज इसके अंदर उतार चढ़ाव इतना ज्यादा, इसके अंदर सुर का कमाल, सुर को होल्ड करके रखना और उसको बाद ऊपर से नीचे लाना, नीचे से कलाबाजी खा के उसको दोबारा ऊपर लेके आना। इसके अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पे बड़े बड़े जो लोग जो ये गाना गाते हैं वो जो है ना वो बिल्कुल लापता हो जाते हैं, बिल्कुल गुमशुदा हो जाते हैं, उनको फिर वापस लाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अल्लाह की तरफ से है जफर भाई, सब अल्लाह की देन होती है, इंसान का तो इसमें कुछ भी नहीं है और बस जी अल्लाह की बिल्कुल मेहरबानी ही हुई। जी बिल्कुल जफर भाई, ये आपकी एक फैन यहाँ पे मौजूद हैं और ये कह रही है कि जी कैन ही हम मेरे महबूब कयामत होगी, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ हिज आई हर्ड, ही सैंग एट अ रेलवे फंक्शन, मुई अख्तर मरहूम इंट्रोड्यूस्ड हिम एंड द क्राउड वेंट क्रेजी। आपको याद है ये शो, कोई रेलवे का भाई फंक्शन, मैं आपको बताऊं कहां पे हुआ था, रेलवे फंक्शन था कोई, ये कह रही है मुईन रेलवे। अख्तर, हाँ जी, और मुईन अख्तर साहब ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। अब आप यकीन करें कि इतने ज्यादा प्रोग्राम्स किए मोइन अख्तर साहब के साथ, और एक्चुअली मेरी एक गुड फॉर्चून ये रही कि मैंने तमाम जितने बड़े लेजेंड स्टार्स थे उस वक्त के, मेरा स्टार्ट उन लोगों के साथ ही हुआ। जी जी वेरी तो नाइस, मरूम कभी बहुत अच्छा हाँ जी, जी वो सबको इनकरेज तो करते मकसद थे, ये काफी काफी अच्छे, मतलब ये कि उन्होंने आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करा और उनके साथ शो जी जी करने वो में बिल्कुल मजा आता था। जी इनकरेज भी करते थे। फिर दूसरे एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि कोई आर्टिस्ट जब अपने उरूज के उस लेवल पे आ जाता है तो उसके साथ ये खूबसूरत चीजें हो जाती हैं कि उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया जाता है, एक पब्लिक के अंदर लाइकिंग बहुत ज्यादा होती है उस टाइम में, तो ये सारी चीजें आपकी फेवर में चली जाती हैं। तो वो मेरे साथ ये सब कुछ बहुत होता था एंड आई वॉज क्वाइट इनोसेंट, और बहुत सीधे साधे तरीके से मैं खड़ा होके मैं गाया करता था और समटाइम मेरी आंखें भी बंद होती थी नहीं तो वाइल आपने सिंगिंग। वेरी नाइस, लेकिन क्या अच्छा हुआ ना कि आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ एकदम ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से जो था वो आपको राइट एक्सपोजर और राइट ट्रेनिंग मिली। जी ये कमेंट था कि पाकिस्तान में रेलवे का फैमिली कोई गाला था एवरी ईयर जो करते थे और आप वहाँ पे रेगुलरली आते थे, पीपल यूज टू वेट फॉर योर एंट्री, और मुझे भी याद है मैंने भी आपका एक पाकिस्तान में बिल्कुल शो देखा था, एंड पब्लिक उससे पहले जो सिंगर गा रहे थे लोग, जब उनको पता चल गया कि आप आ गए हैं पीछे स्टेज के, तो उन्होंने बेचारे वो जो गा रहे थे उनका जो है ना गाना जो है ना वो फोर्सफुली खत्म कराया कि भाई बस अब आप छोड़ दें आप मुझे याद है दैट वाज योर ट्रेन। हाँ बस ये करना नहीं चाहिए वैसे। नहीं लेकिन ये हुआ था, ये तो फैंस के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। अच्छा आप उनकी रिक्वेस्ट है ये कि आप अगर सिंग मेरे महबूब कयामत होगी। जी 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 जरूर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी, सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब
तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वाह वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जफर भाई, मुझे आपसे मेरी जो मुलाकात हुई है फर्स्ट टाइम, वो हुई है न्यूयॉर्क में, जब मैं एक टीनेजर था, इंटर्नशिप कर रहा था एक स्टूडियो में। मुझे याद है आप वहाँ पे 90s में आए, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप अमेरिका कैसे आए हो 90s में, और उसके बाद आपने काफ़ी परफॉर्म भी किया, फिर आप चले गए, बड़ा लोगों ने महसूस किया एकदम से आप गायब, अचानक गायब भी हो गए। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि अमेरिका कैसे आना हुआ, और आपका, और आपने यहाँ पे कैसा टाइम गुजारा। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे मेरे अच्छा हाँ, तो बताइए, जी। वो थोड़ा देखिए, बताइए। एकदम से इतनी शोहरत मिली पाकिस्तान में, इतना सारा कुछ, तो मैं एक्चुअली शुरू से ही, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ थोड़ी अच्छी एजुकेशन ले लूं। तो जब अमेरिका आए, पहली मर्तबा आए, तो उमर शरीफ साहब के साथ और एक ड्रामे का ग्रुप था, वो ड्रामे के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम एक आर्टिस्ट वैरायटी का भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो उस जमाने में ऑब्वियसली मैं पॉपुलर था, तो उन्होंने कहा जी जफर इकबाल को ले चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस करवाएंगे, क्योंकि ड्रामे में तो ऑब्वियसली करवा नहीं सकते थे ना। एक प्ले चल रहा हो तो उसके अंदर एक आर्टिस्ट को सिंगिंग के लिए, ऑब्वियसली उसके लिए आपके म्यूजिशियंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, सारा कुछ। तो एनीवे मैं आया, और वो पहला जो मेरा ट्रिप था वो यूं ही रहा, मैंने कोई परफॉर्म नहीं किया। फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद दोबारा से फिर मुझे एक पिटिशन सबमिट हुई मेरे लिए यूएसए के परफॉर्मेंस के लिए। उस पे मैंने कुछ शोज वहां पर आकर किए, और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जी मुझे यहाँ रहना है, मुझे स्टडी करना है, तो आप काइंडली मुझे अलाउ करें। तो उन्होंने कहा कि देखें ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर थ्रू आउट जितना भी हमारा वक्त था बहुत अच्छा था हमारे साथ, तो इसलिए आपको हम अलाउ करते हैं। उस जमाने में इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो बहरहाल मैं वहां रुका। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आप इलीगल उस पे होते हैं, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो आपको कितना हार्ड टाइम मिलता है। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसी तरह करते 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 एक जगह पहुंचा जहां पे उन्होंने रहने को जगह दी। और मुझे शुरू से ही कुकिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, शौक था, मुझे बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। तो उनको मालूम हुआ कि भी एक आर्टिस्ट है, नाम वाला आर्टिस्ट आया है हमारे पास, उसको कुकिंग भी आती है। तो वो इतना ज्यादा एडवांटेज ले रहे थे मेरे से इस बात का, आई मीन दे यूज्ड टू बी यू नो पार्टी वीकेंड्स के ऊपर, सैटरडे संडेज को हमेशा वो पार्टी रख लेते थे, और 20 आदमियों का खाना पकाने के लिए मुझे कह देते थे। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक किस्म का टॉर्चर था। मकसद किसी को अब्यूज करना होता है जैसे, तो लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरे पास देयर वाज नो प्लेस टू लिव, तो सारा कुछ मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ रहा था, और जॉब भी नहीं थी मेरे पास। और मकसद ये कि जितना भी कोई तकलीफ दे सकता है या बुरा कर सकता है, उतना मेरे साथ वहां पे वो किया, लोगों ने बिहेव किया। तो
फाइनली फिर ऐसा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, आपको पता है। तो एक बहुत अच्छे साहब मुझे मिले, क्योंकि मैं उस वक्त इतना ज्यादा, वो एक दूसरी लैंग्वेज में एक लफ्ज है कि मैं पक चुका था मेंटली, मैं इतना, मुझे स्ट्रेस था इस बात का, और मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे पाकिस्तान अब वापस जाना है। लोगों का इस तरह का रवैया मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरा अब शुमार पाकिस्तान के टॉप आर्टिस्ट में हो रहा था, तो कोई वजह नहीं थी कि मैं, लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से, कि मुझे पढ़ना था, मुझे, मैं चाह रहा था कि अब भी एक चांस मिला है तो अपनी एजुकेशन को कुछ थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी अगली जिंदगी के लिए इंसान सोचता है, ये हर इंसान का बेसिक राइट है, और मैंने उसी लिए मैंने कोशिश की थी, जो कि पूरा नहीं हो सका। बहरहाल फिर जिस रोज मैंने वापस जाने का सोचा था, उस रोज मैं, आई वॉज क्राइंग लाइक किड्स, बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था। तो इतने में जहां मैं रह रहा था, जिन लोगों के पास, जिन्होंने मुझे जगह थी दी थी, और क्योंकि इंसान की कोई लाइफ नहीं होती है, आप सोए हुए हैं, रात को 12 बजे आ गए, आपको जगा दिया, आपको बोल दिया जी हमारे मेहमान आए हैं, चलें आप जरा उनको 2-3 गाने सुना दें, चलें जी हमारे लिए आप ये कर दें, हमारे लिए वो कर दें, तो वो बहुत तकलीफ दे एक सिचुएशन होती है। मकसद ये अंडरस्टैंड करने की बात होती है, लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बहरहाल मेरे साथ तो बहुत ज्यादा, एक एक मर्तबा नहीं, जहां जहां मैं 3-4 जगहों पे मैं रहा हूं, वहां पे यही इसी टाइप का अब्यूज हुआ है मेरे साथ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया आई शुड गो बैक टू पाकिस्तान। तो जिस दिन जाना था, क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट था, तो रात को मुझे दरवाजे पे नॉक हुआ, तो उसमें एक पुलिस की गाड़ी आई दरवाजे पे, जो लोग वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, वो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था, ब्राउन कलर का आई थिंक उस वक्त ये यूनिफॉर्म था उनका, जो ट्रैफिक के पर टिकट्स देते हैं लोगों को वायलेशन पे। तो वो एक पाकिस्तानी थे, मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था कि पुलिस क्यों आई है। आपको पता है जब इंसान इलीगल स्टेटस पे होता है, तो उसको यही होता है जहन में कि शायद मेरी किसी ने कंप्लेंट की है या क्या है। तो उन्होंने मुझे दरवाजा नॉक किया, तो उन्होंने कहा कि आप दरवाजा खोलिए, मुझे कुछ सुकून का सांस है, बन गए तो कोई उर्दू बोल रहे हैं, पाकिस्तानी लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जफर भाई हैं, मैंने कहा जी, तो मैंने कहा कि आप अंदर आ जाइए काइंडली। रात 11 बजे का वक्त था, और मैंने कहा कि चलें आप काइंडली आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे किचन में ही आ गए, और मैं उस वक्त रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैंने कॉफी बना के मैं अपने आप को, मैंने फेस उनकी तरफ किया, तो मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि जफर भाई आप रो रहे हैं, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा कि बस मेरे ऊपर आप एक एहसान कीजिए, मुझे कल आप एयरपोर्ट छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा मुझे अब आप बताएं तो सही क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे बस जाना है, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, और अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो ये जगह पे, यहाँ जहां मैं रह रहा हूं, ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो वो तो मिस यूज कर रहे थे। तो मैंने फिर, उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। अब मैंने कहा रात 11 बजे, 11:30 बजे मैं कहाँ इनके साथ जाऊं? उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, यहाँ पे पूरी पूरी रात डेलीज जो हैं वो खुली रहती हैं, स्टोर्स खुले रहते हैं, तो आप चले मेरे साथ। तो जमैका एवेन्यू न्यूयॉर्क में, जमैका स्ट्रीट पे कॉलेज डेली थी, वहां पे एक ना कॉलेज, यॉर्क कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट, वहां वो मुझे ले गए। तो जिन साहब के पास लेके गए, ही वॉज दी ऑनर, और उनके बारे में मैं थोड़ा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। आरिफ हमीदी साहब, मेरे ख्याल में
कि वो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने जितना अच्छा वो मेरे साथ कर सकते थे उन्होंने मेरे साथ किया। जब वो मुझे लेकर गए तो उनके पास तो काफी देर हो गई, वो आपस में वो लोग बातें करते रहे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप सर, आप मुझे जिनके पास लेकर आए हैं वो तो शायद अभी तक आएंगे नहीं, स्टोर पे आए नहीं है, रात 12 बज रहे हैं, तो मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है, तो आप काइंडली मुझे वापस ड्रॉप कर दें। तो वो पता नहीं कौन से स्टूपिड इंसान। हेलो, जी, तो मैंने कहा कि मैं उनके मुंह पे ही मैंने जी मैं एक्चुअली गायब हो गया था बीच से, लेकिन यू जी कंटिन्यू जी मेरे साथ चल रहा था। जी जी तो उनके मुंह पे ही मैंने उनकी जरा थोड़ी सी वो कर दी, तो वो हंसने लग गए, वो आरिफ हमीदी साहब। उन्होंने कहा कि आप मलिक साहब किसको लेकर आ गए हैं, ये तो बहुत ही आउट लड़का लग रहा है जो मुंह पे खड़े होकर इंसल्ट कर रहा है। मैं इंसल्ट नहीं की थी, इनफैक्ट मैं आई वाज यू नो इंसान टायर्ड होता है, रात 12 बज गए थे। वो उन्होंने कहा कि जफर भाई आपकी जॉब हो गई है इस दिल्ली पे, अब आपने यहाँ पे काम करना है और मुझे शिकायत का मौका ना दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप, मैं कल आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आप कल नहीं आएंगे, आप अभी से जॉब पे हैं। अच्छा, तो जी अच्छा, अब देखें वहां पे एक नई स्टोरी शुरू हो गई। आरिफ हमीदी साहब काफी जॉली तबीयत के इंसान थे, उन्होंने अपने घर पे कॉल किया अपनी वाइफ को कि इस तरह से पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट आया है जफर इकबाल, तो डू यू नो एनीबडी इन पाकिस्तान नेम जफर इकबाल। तो उनकी वाइफ ने कहा आरिफ वो तो बहुत फेमस आर्टिस्ट है, तो मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ अगर वही है तो। वो उनकी वाइफ आई और मैंने भी नोटिस किया कि एक लड़की स्टोर के अंदर दाखिल हुई और आधी चीख मार के बाहर निकल गई। आपको मालूम है ना आधी चीख क्या होती है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो अच्छा, दैट्स एक्साइटमेंट फनी। का एक लेवल, एक्साइटमेंट का एक लेवल होता है, तो यानी किसी को जाहिर भी ना हो और अपनी एक्साइटमेंट भी इंसान शो कर दे। तो उन्होंने कहा जी आरिफ योर योर एग्जैक्टली योर वेरी ट्रू, यही है जफर इकबाल, तो आरिफ आपने इनको घर लेके आना है आज ही अभी। मेरा ख्याल जिंदगी में कभी उनकी वाइफ ने शायद खाना आरिफ हमीदी के लिए नहीं पकाया होगा, लेकिन उस रात उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे खाने बनाए, अच्छा, वेरी नाइस सफर। मतलब बहुत ज्यादा खाना वाना उन्होंने मेरे लिए बनाया, और वो मुझे अपने घर लेके गए आरिफ साहब, आरिफ भाई। और मैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जी आप मुझे काइंडली मुझे, उन्होंने रास्ते में मेरे साथ मजाक किया जिसपे मैं बहुत अनॉयड भी हुआ उनपे। कहने लगे सुना है आप को देख के पाकिस्तान में गाड़ियां रुक जाती हैं। अच्छा हाँ जी, तो सुना है आप बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं और लोग आपके लिए ऑटोग्राफ के लिए भागे आते हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही होता था, जब एक आर्टिस्ट रातों रात शोहरत के उस मकाम पे पहुंच जाता है तो ऐसा होता है। लेकिन आप जरा सेंसिटिव थे, आपने माइंड किया वो जोक। नहीं वो एक्चुअली मैं तो बिल्कुल उस टाइम पक्का हुआ था ना, एक तो जी जॉब नहीं थी, एक हालात ऐसे थे, और फिर ऊपर से जी वो तंज कर रहे थे, लेकिन जी वो जी तंज वो जो थे ना वो अपनी मोहब्बत में वो कर रहे थे जो मैं समझ नहीं रहा था। जी जी बिल्कुल। मैं अच्छा उस वक्त बिल्कुल टेंस उसमें था, तो मैंने कहा कि देखें आरिफ साहब, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना ये फ्री कंट्री है, और आप जरा सोच समझ के बात कीजिए, मुझे आप यहीं उतार दीजिए और मैं चला जाऊंगा खुद से, ठीक है? अच्छा मैंने कहा यहाँ रात को परियां अकेली घूमती हैं तो मुझे क्या खतरा है। तो उन्होंने कहा अच्छा कि ये तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, तुम्हारी नाक पे गुस्सा रखा रहता है, अभी थोड़ी देर हुई है तुम से मुलाकात हुई है और तुमने मुझे स्टूपिड भी बोल दिया और तुमने इतनी बातें कर दी और इतना सारा कुछ,
तो मुझे देख देख के वो हंस रहे थे ना, वो फिर फाइनली मुझे अपने अच्छा घर लेके गए, और घर जब गया जी तो मैंने देखा वही वही लड़की जो आधी चीख मार के स्टोर से बाहर निकली थी, अच्छा उनकी वाइफ। जी, तो वहां पे मिली आपको। बहुत अच्छे लोग वो थे, बहुत ही प्यार वाले, आप यकीन कीजिए। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं, जितनी उनकी तारीफ करूं वो कम है। जी उन्होंने आर्य फिर भाई को अपने बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, काफी जॉली और काफी सुलझे हुए आदमी थे। काफी अरसे से गुमशुदा हैं। आप यकीन करें, मैं आपको आपसे वादा किया, मैं उनको तलाश करूंगा आपके लिए जरूर। जी, आप जरूर उनको तलाश कीजिए, क्योंकि देखें इतने एक इंसान के एहसानात हों, देखिए ये एहसानात ही होते हैं कि आपको इतने बुरे हालात से निकाल कर और एक अच्छे माहौल में लाना, जॉब दी, और ख्याल रखते थे, हर चीज से ख्याल रखते थे, पैसों से, हर तरह से ख्याल रखते थे, और कहते थे कि तुम यहां से छोड़ के कभी ना जाना पाकिस्तान। वो जी चाहते नहीं थे कि मैं कभी भी जाऊं, शायद ये जिक्र उन्होंने आपसे भी किया होगा। जी बिल्कुल। तो अच्छा, फिर आपने उनके स्टोर पे काम शुरू कर दिया। जी, मैंने काम शुरू किया, चूंकि मुझे खाने पीने के उससे इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत जल्दी काम को पिकअप किया। वो जो वहाँ सैंडविचेस हैं, लाइक आई थिंक आप 7-11 में बलोन, उनके स्टोर, उनका स्टोर था 7-11 का, शायद वहां नहीं आपने। 7-11 पे भी मैंने किया, लेकिन उनका जो कॉलेज दिल्ली था ना, अच्छा, उसमें किया आपने। वो बड़ा स्टोर था उनका, तो वहां पे सीखने का ज्यादा मौका मिला, वहां न्यूयॉर्क पे में मैंने सटफिन बुलवर्ड पे है, जमैका में, मुझे याद। सटफिन बुलेवार्ड, एग्जैक्टली जी 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 नाइनटीज में काफी बहुत ही अच्छा वो स्टोर था, और वो बहुत अच्छे लोग थे। मैं तो जितनी भी तारीफ कर दूं उनकी कम है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, जहां भी हो सलामत रहें। और बाकी ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। खैर, अच्छे बुरे लोग तो हर टाइम में हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये इसलिए कि इसलिए जफर भाई, मैं बस फिर मैं इसलिए मैं छोड़कर आ गया, क्योंकि जहां आपकी पहचान ना हो, जहां आपका लोग मिस यूज करें, जी हाँ तो जी हाँ वो मेरे पास अपने पोस्टर से, अपने रिकॉर्ड से, अपने जो ऑडियोज थे सारे को, तो जो लड़के आते थे, वो म्यूजिक बिल्डिंग थी एक्चुअली जहां पे उनका स्टोर था, जी, बिल्कुल मुझे याद है। और उसी तो दरमियान वो में ब्लैक। जफर भाई, आपको याद होगा, आपने एक शो हमारा न्यूयॉर्क में हो रहा था नीलाम घर के नाम से, तो मुझे याद है कि जी जी मुझे याद आप उसमें आए थे और आपने आके उसमें परफॉर्म किया था, और काफ़ी अच्छा शो गया था। वो न्यूयॉर्क के एक स्कूल में हुआ था, बहुत हाउसफुल ऑडियंस था। और मैं, जी, आपको पता नहीं याद हो कि नहीं, मैं उस जमाने मैंने नया नया म्यूजिक स्टार्ट किया था, तो जो आपका बैंड था हनी भाई के साथ, मैं उसके अंदर कीबोर्ड बजा रहा था पीछे, और जी जी आपके बिल्कुल साथ। मुझे जी याद है, हनीफ भाई, समीर भाई, नाजा, जी 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 सारे लोग थे। अल्लाह अच्छा, हाफिज, अब मैंने आपको हाँ बताया जी, था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा सरप्राइजिंग शो की। हुआ ये कि वो शो था, वो एक्चुअली रिकॉर्ड भी हो रहा था ब्रॉडकास्ट के लिए, और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, शो खत्म हो गया, और क्योंकि अब मुझे आपको मैंने बताया था मैं उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के साथ जो था इंटर्नशिप कर रहा था, तो जी जी जब वो एडिटिंग करने बैठे तो आपका एक गाना बड़ा जबरदस्त था उसके अंदर, जो आपने गाना था सुनी सुनी राय, आपके एल्बम का ही था। जी 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 सुनी रहा है। तो अच्छा, मजे की बात सुने कि उन्होंने मुझे, एडिटर ने मुझे इमरजेंसी में कॉल की रात को, और उन्होंने कहा कि यार ये एक बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा कि क्या क्या, हम शो तो करके चले गए थे। बोला यार वो गाना तो गाया, तो जफर इकबाल की वोकल सारा रिकॉर्ड हो गया, म्यूजिक सारा गायब पीछे से उस गाने में। तो अस्तगफिरुल्लाह, अब उस जमाने में कैरियोकी वगैरह टाइप तो कोई चीज थी नहीं, तो उन्होंने कहा सिर्फ नाजा की ड्रमिंग आ रही है और उनका वोकल आ रहा है, और बाकी ना गिटार ना म्यूजिक कुछ नहीं है, तो यार तुम कुछ कर सकते जी हो। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई। कहने लगे यार तुम उसको सुनो और उसके पीछे जो म्यूजिक है थोड़ा बजाओ। तो फिर रात को ही हमने बैठ के, आप यकीन करें, उसका जो ट्रैक था वो दोबारा रिक्रिएट किया, रीबिल्ड किया, ताकि उसके ऊपर वो बड़ा आप जब टिपिकल टिपिकल जी ट्रैक था वो।
जी, तो वो सुन सुन के वो गाना, और फिर मैंने उसको बजाया और वो इस तरीके से वो एयर गया। और तो उस जमाने की जो मुश्किलात थी, आप जो शुरू में जिक्र कर रहे थे कि सब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, ट्रैक वगैरह नहीं था, तो ये चीजें भी साथ साथ हुआ करती थी। तो मैंने बड़ा ऑनर उस वक्त फील किया कि यार मैं जफर इकबाल जफरी का गाना बजा रहा हूँ और दोबारा बजा रहा हूँ। एक तो वाह लाइव स्टेज पे बजाया था, फिर रिकॉर्डिंग में भी बजा रहा हूँ जी जी तो जी बड़ा खैर अच्छा जी रहा था। फिर अच्छा, तो ये बताइए कि फिर आपने आपने जफर अपना आरिफ हमीदी के स्टोर पे जॉब की, शोज भी मुझे पता है आप जी कर रहे थे, तो ये बताएं कि अचानक गायब कैसे हुए? फिर आप एकदम पाकिस्तान चले गए और अमेरिका में आपने छोड़ दिया, तो इसकी क्या वजह बनी? इसकी वजह ये थी जी, मेरी एक छोटी बहन है जो कि न्यूयॉर्क में है, तो उनका शादी का सिलसिला हुआ था, तो बस वो उनकी शादी की वजह से जब सारा डिसाइड हो गया, शादी डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गया, घर वालों ने कहा कि जी लड़का न्यूयॉर्क में है तो अभी एक मौका है कि तुम न्यूयॉर्क में हो तो तुम देख लो, तो बस वो मैंने देख लिया, सारा कुछ हो गया, तो वो फिर उनका एंगेजमेंट हो गई, सारा कुछ जो भी था वो सेटल हो गया। तो उसी दौरान फिर मुझे काफी दबाव में मैं रहा इस बात के लिए कि मुझे जनाब पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, क्योंकि शादी में वहां मेरी मौजूदगी जरूरी है, तो मैं नहीं बिल्कुल होऊंगा तो शादी नहीं होगी। उसे इस जी किस्म की कोई फैमिली मैटर्स थे जिसकी जी वजह से, आपको पता है फिर जब बहनों की शादियां होती हैं तो इंसान को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और उस दौरान आरिफ भाई के पास मैं बिल्कुल फुल ट्रेंड हो चुका था, जी और आरिफ भाई आई मीन आई वाज पार्ट ऑफ हिज फैमिली यू नो, और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं पाकिस्तान, और वो आप यकीन कीजिए कि कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसकी आंखों से आंसू आ जाए जब उसको ये पता चले कि अचानक से मैंने उनको बता दिया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जफर मत जाओ, जितने पैसे चाहिए, जो कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है, सिस्टर की शादी है, जो भी है, बल्कि मुझे याद है कि उन्होंने पैसे भिजवाए भी थे अपनी मदर इन लॉ से, उन्होंने कहा था पाकिस्तान में कि आप इस एड्रेस पे जाकर पैसे देकर आए, तो यानी वो इस लेवल तक अच्छे लोग थे, आप ये देखें। लेकिन जी मेरा वो बहुत बड़ी एक ब्लंडर था जिंदगी का जो मैंने किया, और आरिफ भाई ने कहा कि मैं तुम जा रहे हो और मैं बिल्कुल नहीं तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं आऊंगा बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा दूसरे दिन एयरपोर्ट पे आरिफ भाई एक चॉकलेट का डिब्बा, एक एनवेलप था उसके अंदर आई थिंक कुछ पैसे थे, एंड ही वॉज क्राइंग यू नो, और मुझे उस वक्त सेंस ही नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो बस फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आकर जब शादी वादी हो गई, दोबारा से मैंने अप्लाई किया तो रिफ्यूज हो गया, ऑब्वियसली जी रिफ्यूज तो बिल्कुल होना ही आप था, जी हालात भी ऐसे थे जी पाकिस्तान हाँ, फिर के हालात वो चेंज हो गए काफी हद तक जो थे। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान गए तो वहाँ पे आपने, मतलब ये कि मुझे पता है कि आप कुछ ऐसे हालात से भी गुजरे जहाँ पे आपने थोड़े दिन के लिए म्यूजिक छोड़ दिया था, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे, फिर आप दोबारा वापस भी आए और आपने कोई आप ऐसा कीजिए, एक कोई सॉन्ग सुना दीजिए मेरा, जी ठीक है जब तक मैं जरा जी ठीक है, मैं मैं एक काम करते हैं कि हम ये इसको पार्ट टू करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा लेट भी हो गया है। तो बस जी जी थोड़ा सा ये था कि आपसे बस ये मैं 3 मिनट में रैप अप करता हूँ आपके साथ, 2 मिनट में सिर्फ इतना बता देंगे आपके एल्बम वगैरह या कुछ इस वक्त बन रहे हैं या आपका कोई म्यूजिक का। जी मैं एक्चुअली मैं पहले कराची में था जफर भाई, और अब मैं फाइनली आई एम शिफ्टेड टू लाहौर अगेन, तो जी इंशाल्लाह ताला मैं साथ में नात का भी सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हमने आपकी कुछ नातें यूट्यूब वगैरह पे देखी हैं। क्योंकि म्यूजिक तो देखें सारी जिंदगी किया है ना, जी आफ्टर बिल्कुल ऑल आपको एक दिन तो इस दुनिया से जाना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इंसान के नाम के साथ एक अच्छा नाम भी जाए उसका,
जी बिल्कुल। तो आपका इसके कोई अब जी जी एल्बम, नात एल्बम का कोई कोई सिलसिला जी अभी वगैरह हो? मैं अभी रिसेंटली मैं शिफ्ट हुआ हूँ लाहौर, और शिफ्ट होते ये कोरोना का चक्कर चल गया, तो नहीं, इंशाल्लाह ये तो अभी खत्म होगा बहुत इट जल्दी। इज टोटली लॉकडाउन हियर, यहाँ पे भी लॉकडाउन है आपको पता है। तो मैं तो बल्कि वीडियो क्लिप्स बना बना के लोगों को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि स्टे होम, स्टे इनसाइड, और ख्याल रखें अपना, दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब एक चीज पूरी दुनिया में इस तरह से हो रही है तो हमको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन इवन देन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हालात बेहतर है कंपैरेटिवली। जी बिल्कुल। जफर भाई, आई वांट टू थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही मजा आया आपकी गुफ्तगू सुन करके, और आपके गाने तो आई मीन टाइमलेस हैं। तो इंशाल्लाह मैंने कहा जैसे कि हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और आपसे और गपशप लगेगी, तो इंशाल्लाह कोरोना के बाद फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ओके, दैट बहुत यू हैव शुक्रिया गिवन अस। आपका भी जफर भाई, थैंक यू सो मच, और आरिफ भाई का जरूर पता कीजिएगा। इंशाल्लाह हो सकता है हमारे कोई जो व्यूअर्स हैं वो जो देखें वो सुने, तो हो सकता है वो हमें आरिफ बताएं। हमीदी, जी आरिफ आरिफ हमीदी हमीदी साहब हैं, उनके एक बड़े भाई डॉक्टर भी हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। और क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, आपको पता है ना, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो भी इंशाल्लाह ऐसे, वो तो काफी मशहूर शख्सियत हैं आरिफ हमीदी साहब बिल्कुल अपने बिल्कुल स्टोर्स के हवाले से। जी तो बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच और खुदा जी हाफिज़। जी बहुत इंशाल्लाह थैंक शुक्रिया, यू। और अस्सलाम वालेकुम, ओके थैंक जी, यू। खुदा हाफिज़।